गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. एम आई ऑडिबल और नो? यस सर. गुड इवनिंग. ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. गिवन given to find entrance solution. Given to find solution. Right. हम लोग कर रहे थे प्रॉब्लम टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम ना. डायग्राम बनाया था मैंने. जीतू जीतू ओ जीतू डायग्राम बनाया था क्या? 20 ओम 30 ओम in left gap. Left gap and right gap. All right. Find the shift in the null point. Shift in null point. If 20 is shifted by another 20. अच्छा, शंटेड का मतलब बताया था मैंने लास्ट टाइम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शंटिंग आफिफ? यस सर. व्हाट वाज शंटिंग मींस? पैरेलल. पैरेलल, दैट इज राइट. वेरी गुड, वेरी गुड उष्णा. अब देखो सिचुएशन क्या मालूम है, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो. एक मिडस्टोन मीडियम ब्रिज था, 20 ओम इन द लेफ्ट गैप and 30 ohm in the right gap. All right. And let us say null point comes at a distance L. So this will be 100 minus L. Will they find the shift in the null point if 20 ohm is shunted by another 20 ohm? Here 20 or ek aur 20? राइट कैप के बारे में कुछ बोला नहीं, मतलब राइट कैप है, इट मस्ट बी 30 ओनली. ऑलराइट, सो दिस इज 30, लेट अस से दिस इज L1, तो दिस विल बी 100 माइनस L1. डायग्राम बना लो मेरे साथ साथ. डायग्राम बनाया सभी ने? इज द डायग्राम रेडी फॉर ऑल ऑफ यू? बच्चे लोग डायग्राम बनाया क्या? उष्णा? यस सर. ओके, अब देखो प्रॉब्लम क्या है. 20 ओम लेफ्ट गैप में, 30 ओम राइट गैप में नल पॉइंट आया होगा कुछ. 20 ओम के पैरेलल में एक और 20 ओम लगाए, तो बोलते हैं नल पॉइंट का शिफ्टिंग कितना होगा, शिफ्ट इन द नल पॉइंट. मैं पहले आई नो बिफोर गोइंग फर्दर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेट अस से 15 ohm, 15 ohm, 15 ohm तीन बार लिया सीरीज में, तो और भी रिजल्टेंट 15 प्लस 15 प्लस 15
यानी कि 3 × 15 यानी कि 45। बट अगर ये 15 15 15 सपोज दिस इज इन पैरेलल, तो एकदम सिंपल इक्वेशन याद रखो, इसमें क्या होता है इक्वल रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज आर आर आर, ये 3 times था, अगर n times होगा तो it is n times r, यहाँ पे क्या होगा 3 times are there, तो it will become r by n, यानी resultant will become 15/3, यानी कि 5 ohm, एकदम सिंपल, ये ध्यान में रखो, इक्वल होना चाहिए, अगर सीरीज में इक्वल तो नंबर इंटू रेजिस्टेंस, और पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कैन यू टेल मी व्हाट विल बी रिजल्टेंट इन द लेफ्ट गैप, रिजल्टेंट इन लेफ्ट गैप क्या होगा, कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 10 ओम, क्योंकि 20 20 इक्वल कितनी बार, 2 बार, तो आंसर लिख भी, या वो अपना फॉर्मूला R1 × R2 / R1 + R2, उससे भी आंसर ये आएगा 20 × 20 = 400/40। But this is a better way, if the resistances are equal, you apply this formula, R upon N in parallel, and N into R in series. Okay, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप equal resistance, don't apply R1, R2 upon R1 plus R2. Okay. यहाँ पे ना शिफ्ट इन द नल पॉइंट पूछा, पहले ना मैं एक कॉमन सेंस से एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 ओम था, यहाँ पे 30 ओम था, एल यहाँ पे है, सपोज ये 20 को बढ़ाऊ मैं, रिमेम्बर वन थिंग, इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस तो व्हाट विल हैपन, एल विल आल्सो इंक्रीज, एल भी बढ़ता जाएगा, अगर इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो एल विल आल्सो डिक्रीज, इट विल कम टुवर्ड्स लेफ्ट, इसको बढ़ाने पे दिस विल गो टू द राइट, इसको कम करने पे दिस विल गो टू द लेफ्ट, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चे, वो प्यारे बच्चे लोग, सब बढ़ाने पे राइट पे जाएगा और घटाने इसको बढ़ाएंगे ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा इस साइड, इसको कम करेंगे तो घटता जाएगा इस तरफ, इसको बढ़ाएंगे तो ओके बढ़ेगा, बोल रहे, तो पहले तो हम लोग वही छोड़ देते हैं, बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हाट कैन आई राइट, टेल मी बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस, टेल मी व्हाट विल आई राइट, जल्दी बताओ, व्हाट अपॉन व्हाट इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट, 20/30 equal to L/100 - L. 0, 0 gets cancelled. Therefore, 200 - 2L equal to 3L. And therefore, 5L equal to 200. And therefore, L equal to 40 centimeter. The answer is L. By left hand side, उसका distance 40 centimeter. अभी हम shift पूछे. यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इन दिस केस थोड़ी देर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों के बदले एक जैसे यहाँ पे 20 अच्छे रहा था, 20 20 के दो है तो 40 होगा या 10 होगा, 40 है ओम होगा या 10 होगा, इट विल बिकम आर इक्विवेलेंट, आर लेफ्ट हैंड में होगा 10 ओम, तो बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हाट इज राइट, बोलो बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस, या दैट्स वेरी गुड, कौन सा ये G2, very good. 10/30 equal to L1 100 - L1. 0, 0 cancel. Cross multiply. 100 - L1 equal to 3L1. So 4L1 equal to 100. So L1 equal to 25. Anybody can tell me what answer I should write? Anybody can tell me इसको आंसर को कैसे लिखूं? पहले 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट था, अब 25 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट है, और वो लोग ने पूछा है शिफ्ट इन द नल पॉइंट, व्हाट शुड आई राइट सर, L - L1 एंड हाउ मच, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी आंसर, ओरल आंसर है, बोलो ना, 15 सेंटीमीटर, स्टिल बेटर आंसर, मुझे एक बात बताओ, सपोज
ये ओरिजिन है, उष्णा पहले 40 सेंटीमीटर की दूर पे खड़ी थी उष्णा, और बाद में वो 25 सेंटीमीटर दूर पे आ गई। तो टेल मी व्हाट इज द शिफ्ट इन द उष्णा पोजीशन। -15 नहीं, माइनस माइनस नहीं, ऐसे बोलने का 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर 40 के बदले 65 पे जाती तो कितना 40 50, हाँ सपोज 65 पे जाती तो क्या होता, 15 सेंटीमीटर टू द राइट। 55 पे जाती तो कितना होता 50, यहाँ पे लिखने का देयरफॉर नल पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 15 सेंटीमीटर। लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका आंसर 55 आता तो क्या लिखते हम लोग, टू द राइट बाय 15 सेंटीमीटर। एक मिनट, समझे क्या सभी लोग, प्यारे बच्चे लोग, बच्चों, ओ बच्चे लोग? यस सर। ओके, हाँ जी सर। अभी कर लिया कि रखूं, मिटाऊं कि रखूं? कॉपी कर लिया है तो मैं मिटा सकता हूं कि नहीं? विधि, आर यू देयर विधि? विधि भट्ट? यस सर। ओके गुड, आर यू अंडरस्टैंडिंग विधि? यस सर। हेलो गुप्ता, ओम मिस्त्री? यस सर। अगला प्रॉब्लम आपके सामने, अरे जीतू रीड करो, कहां से स्टार्ट है वो, जीतू रीड करो ना बेटा। हाँ सर, एक मिनट सर, कौन सा वाला? मेरे ख्याल से टू रेजिस्टेंसेस एक्स एंड वाई है। हाँ सर है, बोलो वही पढ़ो। टू रेजिस्टेंस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन अ लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, अ नल पॉइंट वाज फाउंड ऑन अ ब्रिज वायर such that the ratio of length of two segment of wire is 2:3. The distance of the null point was measured from left end of the wire when the value of x is changed by 20 ohm. The position of null point divide the wire into segments of length in the ratio 1:4. Determine x and y. देखो problem मैं बता रहा हूँ, then I'm going to ask you. Left जब मैं लगाया x, राइट गैप में लगाया वाई, एंड नल पॉइंट डिवाइड द वायर इन द रेशियो 2:3, फिर एक्स चेंज्ड बाय 20 ओम्स। एनीबडी कैन टेल मी चेंज क्या है, लिखो व्हाट शुड द राइट चेंज के लिए? सर एक्स प्लस 20। या दैट्स वेरी गुड थिंकिंग, एक्स प्लस 20, व्हाई नॉट एक्स माइनस 20? Why not? मैं बोलूं तुम्हारा वेट चेंज बाय 3 kg, तो क्या कम ही होएगा क्या? सपोज यूर 50 kg, बोल योर वेट चेंज बाय 3 kg, तो व्हाट विल हैपन? आइदर इट इज 53 और 47। यू एग्री और नॉट? तुम्हारे पास 100 रुपए, बोलो योर मनी चेंज बाय 5 रुपीज, तो क्या होगा? आइदर इट इज 105 रुपीज और 95 रुपीज। समझे नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अभी इट कैन बी आइदर एक्स प्लस 20 और इट कैन बी एक्स माइनस 20, वो हमको डिसाइड करना है। पहले नल पॉइंट यहाँ से कितने पे था? 2 पे था, अभी यहाँ पे है 1:4, मतलब ये नल पॉइंट क्या हुआ, बढ़ा कि कम हो गया? डिक्रीज। तो दिस रेजिस्टेंस आल्सो मस्ट डिक्रीज, देयर यू आर। तो इसलिए यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 20, since length
on left side decreases. Therefore, resistance in left gap also decreases. Therefore, it will be X minus 20. अब यहां पे बताओ क्या लिखूं, इक्वेशन क्या लिखूं, भार्गेश कौन है, इक्वेशन क्या लिखूं, यहां पे इक्वेशन क्या लिखूं, कैन यू टेल मी व्हाट इक्वेशन आई शुड राइट बाय कंडीशन ऑफ बैलेंस, कोनन कुरेशी माज मुर्तजा उष्णा अस्का, अस्का तुम बताओ x upon y equal to upon 3. That's very good. All right, therefore x equal to 2/3 of y. Equation 1. और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x minus 20 upon y equal to 1 upon 4. And therefore 4x minus 80 equal to y. But x के बदले और y के बदले 3 by 2x लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ. क्योंकि 2/3 के बदले y equal to 3/2x, तो y के बदले 3/2x लिखेंगे. And therefore 3/2 is 1.5, so it will become 2.5x equal to 80. So x equal to 80 upon 2.5, so 80 into 10 upon 25. 5 पंजे 25, और ये क्या होगा, 5 एक कम पांच, पांच सोलह पंजे 80, पांच दूनी 10, तो x का आंसर आता है 32 ओम. y कितना होगा, 3/2 ऑफ 32 यानी कि 48 ओम. देयर यू आर, देयर यू आर. और हम लोग चेक भी कर सकते हैं हमारे आंसर सही है या गलत, ये तो बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं. 32:48 कितना होगा, 16×32 और 16×48 16×16 और इसको 32 - 20 करेंगे तो कितना होगा, 12. तो दैट इज 1, 12×1=12, 12×6=48, 1:4. सो देयरफॉर आवर आंसर्स आर करेक्ट, नोबडी कैन गेट मार्क्स. एक बार कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. मैं एक्सप्लेन करूं आपको, शुड आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, एक बार एक्सप्लेन कर दूं आपको प्रॉब्लम. देखो बोले पूछते हैं जब रेजिस्टेंस x left gap में resistance y right gap में, तो null point is dividing into ratio 2:3. So x upon y is 2/3. So y is 3/2x. Equation number. When this changed by 20 ohm, change में मैंने minus इसलिए किया क्योंकि null point 2:3 के बदले 1:4 दिया हुआ है. मतलब ये कम हो रहा है. ये कम हो रहा है तो ये कम हो गया होगा. ये मैंने इसके पहले problem में बताया. X minus 20. So x minus 20 upon y equal to 1/4. और फिर इसको solve किया.
बाकी सब, और 32:48 देखो इधर 32 और इधर 48, और ये लोग क्या बोले 2:3, तो 16 2 32 63 48, ये भी मैच हो गया। x माइनस 20 यानी 32 माइनस 20 कितना 12, और ये तो 48 ही है, तो 12 बन गया 12, 4 जा तो 1:4 भी आ गया। देयरफॉर आवर आंसर्स आर राइट, नोबडी कैन कट आवर मार्क्स। बिटाऊ क्या, इफ यू हैव अंडरस्टूड आई कैन रब आउट, बोलो बोलो, यस नो, उष्णा कॉपी किया सर? सही है सर, सही है। हाँ क्या सही, एक मिनट सर, एक मिनट, क्यों अभी तक कॉपी नहीं किया? हाँ सर, आप मिटा दो। ओके, इसके बाद का अगला प्रॉब्लम मैं स्टार्ट देता हूँ। देखो स्टार्ट क्या था, मैं बताऊँ स्टार्ट क्या है। हाँ ये है, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन गैप, पढ़ो जरा जी। टू जी तो मिला प्रॉब्लम, टू कॉइल्स, हाँ सर, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन गैप ऑफ अ वाइट स्टोन विद अ ब्रिज एंड नल इज ऑब्टेंड एट द सेंटर विद अ रेजिस्टेंस 100 ओम इन द अदर गैप व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सेम gap known resistance is to be changed by 84 ohm to obtain the null point at the center. Again calculate the resistance of the coils. Okay, draw karo mere sath diagram. डायग्राम बनाया फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं प्रॉब्लम। ओके प्रॉब्लम समझो, आई एम गोइंग टू आस्क, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए लेफ्ट गैप में और राइट गैप में 100 ओम रखा तो नल पॉइंट बराबर सेंटर पे है, मतलब इधर 50 इधर 50। जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए तो दिस रेजिस्टेंस वाज चेंज्ड बाय 84 ओम्स टू गेट द नल पॉइंट्स एट सेम प्लेस एज बिफोर, सो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ टू रेजिस्टेंसेस। इसमें एक मिस्टेक क्या किया मैंने, एनीबॉडी कैन टेल मी, दोज हु आर लिसनिंग टू मी प्रॉब्लम प्रॉपर्ली। Anybody who can say that sir आपने ये बोला लेकिन लिखा ये, चलो मैं वापस रिपीट करता हूं। When the resistance in the right gap was changed by 84 ohms, changed by, तो यहां क्या लिखू, either I should write 100 plus 84 या 100 माइनस 84, विच वन इज मोर करेक्ट एंड व्हाई? 100 माइनस 84, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा था, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया था कम हो गया,
तो इट हैज टू बी डिक्रीज्ड बाय 84 ओम, तो इट विल बी 100 माइनस 84 एंड दैट इज इक्वल टू 16 ओम. बट स्टूडेंट क्या करते हैं, 84 ओम देखते ही लगा देते हैं 84 ओम, फिर आंसर आता ही नहीं. बोले बोलते चेंज्ड बाय 84 ओम, यानी आइदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. या डिक्रीज क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज डिक्रीजिंग. Therefore, right thing also gap must decrease to get the null point at the same place as before. So, यहाँ पे बोलो क्या लिखूँ equation, पहला equation क्या आएगा बताओ. तो दो resistance parallel में होते तो what is the answer? Yes. अरे बताओ ना, left upon right equal to left upon right. अस्का अस्का वैष्णवी निधि, निधि तुम बोलो, निधि तुम बोलो आंसर. व्हाट अपॉन व्हाट इक्वल टू व्हाट अपॉन व्हाट. आर वन प्लस आर टू अपॉन 100 इक्वल्स टू 50 अपॉन 50. मेरे को क्यों ऐसा रहता है कि मेरे को मालूम इसको आएगा आंसर और तुम देती ही वो आंसर. What is the resultant in the left gap here? Anybody? यहाँ पे equal नहीं है, दो अलग अलग हैं. You have to apply the formula. What is the resultant here? हाँ, equivalent क्या होगा? When two are in parallel, what is the final answer? Sir, R1 plus R2 upon R1 into R2. Very bad answer. Bad answer. R1 plus नहीं, R1 into R2 upon R1 plus R2. बेटा R1 प्लस नहीं, R1 इंटू R2. यहाँ पे आएगा होल अपॉन इट 16 इक्वल टू 50 अपॉन 50. देयरफॉर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना था 100. अभी है ना ओरल ओरल मेथड बताता हूँ सीईटी के लिए. अपने को मैथ्स का तो आता ही, आपको मैथ्स में दो इक्वेशन x प्लस y इज 100, x इनटू y इज 1600. हाउ टू एनी टू नंबर हुज सम इज 100 एंड हुज प्रोडक्ट इज 1600, वे बताएगा दो नंबर. देखो समझो 50 प्लस 50 लूंगा तो 100, बट 50 इनटू 50 तो 2500 होता है. नो, फिर और कोई नंबर ऐसे सोचो जरा दिल से. 80 एंड 20. 80 plus 20 is 100 and 80 into 20 is 1600. Khalas, there you are. But ये है ना CET में 80-20 वाला आंसर देख के उसका उस आंसर को राइट यहाँ पे करना पड़ेगा अपने को. From one R2 equal to 100 minus R1 substitute into and therefore R1 into 100 minus R1 is equal to 1600. And therefore 100 R1 minus R1 square equal to 1600. And therefore R1 square minus 100 R1 plus 1600 equal to 0. And therefore R1 minus 80 minus 20. R1 minus 80. Therefore, R1 equal to 20 or R1 equal to 80. Answers. If R1 equal to 20,
then R2 equal to 80. If R1 equal to 80 ohm, then R2 equal to 20. कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और हमने चेक तो कर ही लिया है, देखो मैं क्या, चलो करो मैं। हाँ कॉपी कर लिया तो मैं एक्सप्लेन करूं। ये स्टूडेंट शुड एक्सप्लेन, कॉपी मार लिया क्या? यस सर। देखो इसको मैं दिस टू इक्वेशन से कम, चलो मैं बता देता हूँ। आर वन प्लस आर टू अपॉन हंड्रेड इक्वल टू 50/50 which is 1, and therefore R1 plus R2 equal to 100, equation number 1. Two resistance jab parallel mein hote hai to equivalent kya hota hai, R1 R2 upon R1 plus R2, right? It jab mein 60 ya 50 50, so R1 R2 upon R1 plus R2 upon 16 equal to 50/50, which is 1. So R1 plus R2 kitna tha, 100 tha na, to yahan pe 100 aur ye 16, so 100 into 16 equal to 1, so R1 into R2 equal to 1600. Match karna aata hai aapko. R1 के दो आंसर है, either R1 is 20 ohm और R1 is 80 ohm. जब R1 20 ohm है तो R2 80 ohm, अगर R1 80 ohm है तो R2 20 ohm. That will give you two answers, you can give. और हम लोग चेक करते हैं हमारे आंसर सही है कि गलत। फिर भी होगी R1 प्लस R2 100, तो ये 100 100, तो 1 1 हो गया हमारा, इक्वल 50 50. यहाँ पे what is R1 R2 upon R1 plus R2, 80 into 20 upon 80 plus 20, तो 16 16 16, तो ये भी 50 50, यानी इक्वल, इसलिए हमारे आंसर्स राइट है, आंसर इज नॉट रॉन्ग, वी कैन चेक आवर आंसर्स. ओके इसके बाद आई वुड लाइक यू, जरा ये पढ़ो तो बेटा, टू रेजिस्टेंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वायर, मिला आपको V2? हाँ सर. टू रेजिस्टेंस आर प्रिपेयर फ्रॉम द वायर, वो है सर सर नहीं है, यू नो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट विद रेजिस्टेंस आर वन इन लेफ्ट साइड सर, वो एक मिनट हाँ क्या लिखा है,
in a meter bridge experiment with the resistance R1 in left. Okay, we'll do that. We'll do that. हाँ पढ़ो उसको पढ़ो. In a meter bridge experiment with resistance R1 in left gap and resistance X in a right gap, null point is obtained at 40 centimeter from left end with resistance R2 in left gap and same resistance Rx in right gap. Null point is obtained at 50 centimeter from left end. Where will be the null point if R1 and R2 are put first in series, then in parallel in the left gap and right gap? Still containing X. ये डायग्राम बनाओ. मैं ये वाला प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने के बाद पूछने वाला हूँ कि बताओ क्या प्रॉब्लम है. डायग्राम बना लो, मैं एक्सप्लेन करने के बाद पूछने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. ओके अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऐसा है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. आई एम गोइंग टू आस्क जो रेजिस्टेंस आर वन लेफ्ट गैप पे रखा और एक्स को राइट गैप पे रखा, नल पॉइंट आया 40 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर. जो रेजिस्टेंस आर टू लेफ्ट गैप पे रखा, एक्स राइट गैप पे, तो नल पॉइंट आया 50 सेंटीमीटर. वो लोग बोलते हैं किधर आएगा नल पॉइंट अगर आर वन आर टू आर पुट इन सीरीज, और किधर आएगा नल पॉइंट इफ आर वन आर टू आर कैप्ट इन पैरेलल, राइट गैप स्टिल कंटेनिंग द सेम रेजिस्टेंस एक्स. ये प्रॉब्लम मुझे कौन बताएगा? कोई नया बच्चा? हुसैन दागीना प्रॉब्लम बता. हुसैन दागीना वाला प्रॉब्लम बता बेटा. यस अरे प्रॉब्लम बता ना. ओके वैष्णवी प्रॉब्लम बता. वैष्णवी इतना जल्दी yes, करती है. हाँ प्रॉब्लम बता. कोनन प्रॉब्लम बता. कोनन कुरेशी. कोनन कुरेशी डायग्राम बनाया सभी ने. और उष्णा प्रॉब्लम बता. उष्णा Yes. Less than 1 minute. We don't have time. Yes, sir. It says in left gap R1.